बैलेट पेपर से चुनाव कराने व ईवीएम हटाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में के जिला कलेक्ट्रेट पर आज ईवीएम हटाने व बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तरह तरह के पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने ईवीएम हटाने के साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को संबोधित प्रस्तुत किया गया है, और जिसमें इनकी मांग है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से न करा करके बैलेट पेपर से कराया जाए। तो इनका जो मांग पत्र है, उचित कार्यवाही संदर्भित ऑफिस को भेज दिया जा रहा है। ठीक है, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस पार्टी का मैं प्रदेश इकाई का एक डेलीगेट मेंबर हूँ। इस मांग को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज जो है देश हमारा खतरे में है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान को कुठाराघात ये मोदी सरकार करती चली आ रही है, और इस सब के पीछे सारी बात की एक बात, ईवीएम ही महाचोर है, ईवीएम ही महाघोटाला है, ऐसा आरोप पूरे देश के अंदर लग रहा है और हर व्यक्ति लगा रहा है, गरीब हो अमीर हो, चार चौराहे नुक्कड़ पर लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस ईवीएम पर देश को विश्वास ही नहीं, उस ईवीएम के जरिए चुनाव क्यों हो रहा है? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं? वो ईवीएम जिसको पूरी दुनिया के विकसित देशों ने, पूरे दुनिया के विकसित देशों में जहां पर ईवीएम सबसे पहले बने, वो अपना चुनाव वहां पर ईवीएम से नहीं कराते, उनको ये संदेह है। एक 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 देश के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके उसको बैन किया, बावजूद इसके हमारे देश के अंदर ये चुनाव ईवीएम से क्यों? हमारा ये कहना है कि 19 लाख के करीब ईवीएम की चोरी की खबर आरटीआई के जवाब में बाकायदा है, और आपके सामने है कि एक एक किसी शख्स ने ईसीआई और जो हमारे ईसीआई और बेल कंपनी है जिस जो बनाती है डिवाइस को, उसने करीब बताया कि 40 लाख मशीन ईवीएम बनाया उन्होंने, और फिर चुनाव आयोग ये कहता है कि उसके बाद 20 लाख के करीब मशीन है। तो मैं कहना चाहता हूँ 19 से 20 लाख मशीन वो चोरी होकर गई कहाँ? मैं कहना चाहता हूँ पूरा देश आरोप लगा रहा है कि इसके अंदर ईवीएम एक बड़ा घोटाला है, ईवीएम को बैन करना चाहिए, और आपके माध्यम से मैं तमाम देश की पार्टियों से अपील करना चाहता हूँ कि ईवीएम पर एकजुट होकर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये तो निष्पक्ष चुनाव की बात है ना। जब तक निष्पक्ष और पारदर्शिता चुनाव नहीं होगा तो कैसे जो चुनाव को माना जाएगा? जब देश की जनता को विश्वास ही नहीं है ईवीएम के अंदर, तो ईवीएम ही एक महाघोटाला है, हम ये क्यों ना कहें? और हम ये कहना चाहते हैं कि देश की बातों को, देश की जनता की बातों को लोकतंत्र में नकारा नहीं जा सकता। वो लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं जहां जनता की बातों को नकारा जाए। जनता की मांग, स्पष्ट मांग है कि ईवीएम को बैन करो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। आपने किस बैनर तले ये मांग रखी है कांग्रेस पार्टी? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक लीडर हूँ, उसके साथ साथ देश का एक नागरिक हूँ। हमारे बहुत ही कर्तव्य देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को जो लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी लोकतंत्र को लाने के लिए, उसके लिए हम अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, और अभी और ये जिलाधिकारी महोदय के नाम से के द्वारा ज्ञापन जाएगा, और हमारी स्पष्ट मांग है ईवीएम को बैन करिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, क्योंकि ईवीएम पर देश को भरोसा नहीं है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।